हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट पर्पस। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो नोवो के ऊपर है और यहाँ पे इस बार जो है मैंने साथ में इंटरनल साउंड भी जो है रिकॉर्ड कर रखा है। तो इसमें मेरी आवाज़ तो मेरी टीममेट्स को नहीं जा रही, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ट्राई करा था। तो इंटरनल साउंड के साथ जो है ये वाला गेम प्ले, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने जो है ज्वाइन बटन जो है इनेबल कर दिया है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कुछ ये प्लान्स है जो मैंने लगाया है 159 का और 59 का। तो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है ज्वाइन ज़रूर कर लेना ज्वाइन बटन को, क्योंकि यूट्यूब से जो है यार इतनी अर्निंग होती नहीं है। वो मैं आपको दिखा भी दूंगा अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, बेसिकली मैं जा रहा था नोवडो, तो नोवडो को मैं नोवो को नोवडो बोलता हूँ। और यहाँ पे जो है नोवो की तरफ मैं चल पड़ा और यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आते हैं जैसे कि आप जानते। तो भाई मैं चाहता था कि अच्छे खासे किल मिल जाए और जो है हम यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत मतलब लूट भी मिली आएगी, तो इसलिए जो है हम यहाँ पे नोवो जाने के लिए हमने डिसाइड कर लिया था। अब बात यहाँ पे ये थी कि नंबर दोनों तो मुझे फॉलो कर रहे थे, इन दोनों ने जो है फॉलो नहीं करा, लेकिन मेरे को लग रहा था ये कहीं और जाएंगे, लेकिन ये भी जो है नोवो ही आ गए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भैया मेरी जो लैंडिंग है वो बहुत ख़राब हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले तो मैंने सही कूदाया, लेकिन क्योंकि जैसे कि मेरा फ़ोन जो है अभी मिनिमाइज़ हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, तो मैं जा रहा था और गलती से जो है मेरा फ़ोन पे वो बटन दब जाता है ना, होम बटन, तो वो दब जाता है और फिर जो है भाई मेरी लैंडिंग पूरी गलत हो जाती है, जैसे कि आप अभी देख पाएंगे। तो इसके बाद जो है मैंने फटाफट से जो है मिनिमाइज से दोबारा गेम को ऑन किया, इतने में मेरी लैंडिंग पूरी ख़राब हो चुकी थी। और लैंडिंग ख़राब हुई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे स्क्वाड आ रहे थे जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है मेरे जो टीममेट्स को है मैं मतलब जो नंबर दो का है मैं लेके सीधा छत पे कूद गया। अब कूदते मेरे को एकेएम दिख गई थी, तो मैंने फटाफट से एकेएम उठाई और यहाँ पे मैं लेट गया भैया, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा डर गया था भैया, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इसके बाद जो है एकेएम मैंने उठाई और यहाँ पे जो है थोड़ी देर मतलब लेट के पहले पोजीशन बनाई, और उसके बाद यहाँ पे होलोग्राफी मिल गया। और होलोग्राफी मिलते ही जो है यहाँ पे मैं कूद गया, क्योंकि यहाँ से जो है मेरे को थोड़े थोड़े फुटस्टेप आने लग गए थे। अब यहाँ पे फटाफट से जो है पहले तो मैं घर में के अंदर शॉटगन वगैरह मिल गई मेरे को, तो मैंने कहा भाई ठीक है जान बचाने के लिए शॉटगन ही बहुत है। और उसके बाद जो है मैं फटाफट आगे भागा आगे भागा, ठीक है, क्योंकि नंबर वन और जो नंबर फोर थे वो अलग अलग थे, ठीक है, तो हमने कहा साथ ही मिलकर फाइट कर लेंगे। लेकिन मैं जैसे ही भाग रहा था तो यहाँ से मेरे को भागते हुए कमलेश दिख गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये कमलेश भागते जा रहा था, तो उसको मैंने यहाँ पे शॉट लगा दी एकेएम से और यहाँ पे इसे नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद भाई इस कमलेश को पूरा ख़त्म करना जरूरत है, क्योंकि इसके पास जो है काफ़ी सारा माल मिल जाता है। तो ये बॉर्ड जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं भाई, इनके पास मिल जाता है बहुत अच्छा माल। तो आप जो है कमलेश दिख जाए तो छोड़ना मत, फटाफट जो है मार देना, उसके पास जो आपको गन मिल जाएगी। तो उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली हम जो है मतलब ऐसे ही ढूंढ रहे थे कि कुछ और अच्छा सामान वामान मिल जाए, क्योंकि हमें फाइट लेनी थी। और यहाँ पे मेरे को फाइनली डीपी मिल गई, तो एक लकी बात थी कि भाई डीपी मिल गई, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में डीपी मिल जाए और एकेएम जैसी गन मिल जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन मैंने एकेएम को छोड़ दिया, क्योंकि भाई दोनों एक जैसी बुलेट्स हो जाएगी, तो बुलेट्स की मेरे पास कमी हो जाएगी, ठीक है, एमओ की कमी हो जाएगी, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब यहाँ पे मेरिंडा तकिया मतलब यार मौजी हो गई थी, मतलब चार चार मेरिंडा थी मेरे पास, मतलब इतनी सारी मेरिंडा मिल गई, रेड डॉट वगैरह पड़े थे। तो अब जो है मैं तो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर फोर जो है बहुत देर से हेल्प कर रहा था, क्योंकि भाई उसके पास जो थे बंदे। अब मेरे को लगा भाई सही में बंदे है उसके पास, तो मैं तो है चल पड़ा उसके पास देख कि भाई कौन बंदा है। तो देखा तो भैया यहाँ तो एक और कमलेश है, यहाँ तो बंदे नहीं है, तो वो ऐसे डर रहा था खामा खा, यहाँ पे कमलेश से डर रहा था वो, तो मैंने उसको मार दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कमलेश को मारने के बाद भैया अब मैं इसको भी लूटने चल पड़ा, क्योंकि भैया इस पर भी अच्छी अच्छी चीज़ मिल जाएगी जैसे कि आप जानते हैं। तो फटाफट से जो है मैंने इसको यहाँ पे लूटना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे लूटा तो मेरे को यहाँ पे तकिया मिल गया, लेवल टू को बैग मिल गया, 4x दे दिया। और वेक्टर थी तो ट्रैक्टर तो मैं चलाने वाला नहीं, तो इसलिए मैंने कहा टॉमी ठीक है, अपनी टॉमी गन को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4x में स्विच करा इसको और होलो को अपने पास अभी रख लिया। और अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि आप जो है नोवो को घरों के पास उतरते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया लैंडिंग ख़राब हो जाती है, बहुत सारे रीज़न होते हैं या बहुत सारे बंदे आ गए, तो अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो आप कोशिश ना करें कंट्री की तरफ जाने की जब तक आपको लगे ना कि भाई बंदे जो है मतलब होता है कि टीवी पे ले रहे होते हैं या फिर जो है वो भी कटर से देख सकते हैं आपको। तो इसलिए बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो है इन घरों की जो है शेड होती है, मतलब जो ऊपर वो शैग होती है, जो भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोलेंगे आप इनको जो ऊपर चढ़ने के लिए होती है, तो आप इनके ऊपर चढ़ जाए, जो शेड्स होती है ना इनके ऊपर की, जैसे कि दरवाजे से ऊपर, अभी मैं आपको चढ़ के दिखाऊंगा। No God! No God! Please no! 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 तो यहाँ पे इस दरवाजे से जैसे मैं पोचंकी में चढ़ता हूँ, यहाँ पे ऐसे ही जो है आप इनके ऊपर चढ़ जाइए, इनकी छतों के ऊपर चढ़ जाइए, शायद जो भी आप बोलते हैं भाई मुझे नहीं पता है इसके ऊपर क्या बोलते हैं आप इनको, ठीक है, तो इनके ऊपर आप चढ़ जाइए
और इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे ये जो है नंबर बार 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 बोल रहा था नंबर 4 मेरा प्लेयर है तो जोन में चले गया। मैंने कहा नहीं भाई लड़के जाएंगे यार जोन में क्यों जाना है, तो मैंने इसको नो लिख दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे दोस्तों बेसिकली आप देखते किसी ने एक फ्लेयर भी ख़राब कर दी थी, तो किसी ने गाड़ी मंगा दी बेवकूफ ने, मतलब ऑन होती मतलब हाथ में आती है फ्लेयर चला दी उसने और ख़राब कर दी वो फ्लेयर। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जोन नहीं बनाना तो फटाफट फ्लेयर चला दो और जो है यहाँ पे ड्रॉप आ जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। अगर आपका सर्कल नहीं बना है स्टार्टिंग में और आप सोच रहे हो कि मैं सीधा जोन में वो चला दूंगा मतलब कूदते चला दूंगा और फ्लेयर मिलते ही तो ड्रॉप आएगा, नहीं आपके हमेशा गाड़ी आएगी, ये बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कभी भी ऐसे मत जाना आगे, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ से मेरे को पूरा नोवो दिख रहा है ठीक है, तो यहाँ पे आपको कभी भी आगे नहीं जाना चाहिए ओपन में भागते हुए कि भाई चलो घरों से निकल के अब मैं वहाँ चल जाता हूँ। अगर आपको अच्छा खेलना आता है तो आप जा सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा खेलने वाले में भी समझदारी की बात होती है कि भैया मतलब आपको लगता है कि काफ़ी सारे स्क्वाड बचे हुए थे, अगर आप ऐसे अकेले भागते जाओगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। माँ बाबू तेरे मुन्ने को बहुत कोई चैन से रोने भी नहीं देता। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा आपके साथ, और फिर जो है आप घर में जाके ये बोलोगे माँ बापू बहुत मारा मेरे को, इसलिए इससे बढ़िया है कि आप जो है यहाँ पे चुपचाप रहिए और यहाँ पे कैंप कीजिए, मतलब थोड़ा सा देखिए कि बंदे कहाँ पे है। तो मैं भी वही कर रहा था और मेरी टीम भी वही कर रही थी, तो अब जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि बंदे कहाँ पे है। अब कैंप करते करते मेरे को ये बंदा दिख गया था और यहाँ पे खड़े होके बीडी पी रहा था, तो इसके ऊपर जो है यहाँ पे मैंने स्प्रे कर दिया और यहाँ पे डीपी से इसको स्प्रे करके पूरा ही खत्म कर दिया। अब बीडी पियोगे भैया दीवार के पीछे बैठ के छुपके से, तो ऐसे ही होगा, कैसे पी सकते हो, पबजी खेल रहे हो या बीडी पीने आए हो, बीडी पी रहा था बताओ दीवार के पीछे खड़े होके, तो मैंने उसको मार दिया वहीं पे। अब उसके बाद जो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि और प्लेयर भी आएंगे क्योंकि आप थोड़ा वेट कीजिए अपने टीममेट्स को, तो वो जो है वेट कर रहे थे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को एक बंदा और दिख गया था लेकिन मेरी सारी गोली जो है इसके ऊपर लग गई, मतलब शैक के ऊपर लग गई, तो यार सारा जो है मतलब स्प्रे ख़राब हो गया। अब इसके बाद मेरे को फिर से दिखा और वो जो है वेयर हाउस के अंदर चला गया, तो मैंने उसको एनिमेट करा अपने दोस्तों को, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जोन भी आने वाला था, जैसे कि आप देखते हैं अब जोन स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे जो है वो बंदे काफ़ी दूर थे। अब अकेले मैं स्प्रे करूँगा तो जो है यहाँ पे पकड़ने का चांस है, मतलब हमारा मरने का चांसेस भी है। तो आप देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे दो बंदे मेरे को दिख रहे, दो तीन बंदे दिख रहे, लेकिन मैंने अपने टीममेट्स को बताया भी लेकिन शायद उनके एंगल से नहीं दिख रहे होंगे, और मेरा जो एक नंबर 2 है वो तो थोड़ा आगे भी जा रहा था भाई, कोशिश कर रहा था उनको मारने के, लेकिन यहाँ पे जो है हम नाकाम रहे क्योंकि भैया यहाँ पे जो है वो दिख नहीं रहते ठीक से, पोजीशन उनकी नहीं बैठ पाती हमारे लिए, तो हमने जो डिसाइड करा यहाँ से निकल पड़ेंगे। अब हम फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बोला तो हमने डिसाइड किया था निकलते हैं, और ब्लू जोन भी आ चुका था, तो वहाँ पे वो बंदे पता नहीं शायद हो सकता है बोट लेके जो है पीछे रास्ते चले गए, क्योंकि दो तीन बंदे अभी शायद बचे थे वहाँ पे, लेकिन हमने डिसाइड करा हम भी यहाँ से अब निकल पड़ते हैं। तो मेरे दोस्त जो है गाड़ी लेके आ चुका था और यहाँ पे ये जो निकल चुका था और यहाँ से पीछे पीछे जो है FD स्टाइलिश भी जो है यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे जो है फटाफट इसने जो है यहाँ पे गाड़ी चलाई और मैंने गाना बजा दिया। अब नंबर 1 ने यहाँ पे आके गाड़ी रोक दी तो हमने भी यहाँ पे चुपचाप अपनी गाड़ी रोक दी और यहाँ पे फ़ायदा उठाया मैंने, पट्टी वट्टी चढ़ा ली अपने और यहाँ पे एक मेरिंडा भी पी ली। अब यहाँ पे जो है मेरे को 7.62 चाहिए थी लेकिन नंबर 1 को लगा कि उल्टा मैं दे रहा हूँ, तो भैया मैं तो मांग रहा था भैया मेरे को चाहिए, मैं मांग रहा हूँ भैया दे दो मुझे, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं देखो फिर यहाँ पे लिखा भी मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली FD स्टाइलिश ने जो है यहाँ पे कुछ ड्रॉप की थी वो मैंने यहाँ पे उठा ली। अब इस घर में मेरे को मिल गया एक 500 का बंडल और यहाँ पे बम्बानी, साथ में यहाँ पे पेप्सी मिल गई थी, तो भैया मेरे को तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई थी यहाँ पे और मैं तो अब सर्वाइव करने के लिए रेडी था। अब यहाँ पे मेरे को 5 पट्टियाँ मिल गई और यहाँ पे 6x मिल गया। अब यहाँ पे मैंने जो है 6x अपने दोस्त को दे दिया क्योंकि मैं जो है 4x में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ DP में।
अब यहाँ पे जो है बेसिकली मेरे को यहाँ पे बंदे दिख गए थे और यहाँ पे मैंने फायर भी किया, पहला बंदा तो मैंने मारा और दूसरा जो है मैं स्प्रे कर रहा था, लेकिन नंबर वन जो है सारे किल चुरा गया। अब यहाँ पे दो बंदे और बचे थे उनके, तो उन पे जो है मैंने यहाँ पे फायर करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा वहाँ पे कोई है तो वो तो बग्गी खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे बंदे और भी होंगे, वे आपको दिखेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने फटाफट जो है टैप करके पहला बंदा मारा और यहाँ पे इसी के साथ पूरा इसका स्क्वाड खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे 6 किल हो गए थे, लेकिन मिलने मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा चाहिए थे, लेकिन भैया किस्मत किस्मत की बात है भैया, नसीब नसीब अपना अपना। अब मेरे पास तो बची नहीं थी एमओ और मेरे को जो है मैंने बोल दिया था भाई लेट्स गो, अभी इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, वो स्क्वाड खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है एक दो ही बंदे बचे हैं, तो वो जो है मैं मारने के लिए निकल पड़ा। तो मैंने बोल दिया नंबर वन साथ साथ आ जा, और इन दोनों को भी बोल दिया था कि भाई साथ साथ आ जाओ। अब यहाँ पे इनका पूरा स्क्वाड खत्म था, तो मैंने सोचा इनसे कुछ लूट मिल जाएगी, क्योंकि भाई मेरे पास तो एमओ भी थी और गन भी जो एकदम टट्टी थी। तो लकीली मेरे को यहाँ पे 7.5 की गोलियाँ काफ़ी सारी मिल गई, 7.62 सॉरी। तो यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारी गोलियाँ मिल गई, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने फायर करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे जो है मैंने उसको डैमेज तो दिया, लेकिन यहाँ पे FD-46 ने उसको खत्म कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को लेवल 3 का बैग, 8x वगैरह भाई इस बंदे का सब कुछ था। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से जो है देख रहा था और क्या क्या, लेकिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे को गन चेंज करनी है। तो मेरे को पता था एक बंदा यहाँ पे है, तो मैं जो है उससे फाइट लेने चल पड़ा। अब ये नॉक पड़ा तो इसको जो है मैंने पूरा किल कर दिया, और यहाँ पे एक बंदा और था मुझे पता जो सांप बन रहा था, तो मैं उसको देखने के लिए ट्राई कर रहा था कहाँ पे है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंदा छुपा होता है, इसके ऊपर मैंने इतना डैमेज दिया फिर भी जो है यहाँ पे ये बंदा नॉक नहीं हुआ, पता नहीं कैसे भाई। ये होता है सस्ते नशे, यानी कि ये होते हैं या तो पबजी के नशे, या तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 20 गोली मारी है भैया टॉमी की, थोड़ी बहुत गोली भी नहीं मारी, 20 गोली मारी फिर भी जो है वहाँ पे नहीं मरा। अब यहाँ पे लकीली जो है मेरे को बचा लिया नंबर वन ने, पूरा रिवाइव कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं भी बच गया। अब यहाँ पे मैंने 2x उठाया और यहाँ पे गन चेंज करने का फैसला किया, तो भाई फाइनली UMP उठाई, मैंने कहा इसको भगा सबसे पहले, तो भाई ये टॉमी को हटा, अभी इसको टॉमी को लूँगा नहीं मैं, इसका डैमेज बड़ा अच्छा है, मतलब इतना अच्छा है कि सामने जो है 20 गोली बंदे को मार दी फिर भी जो है वो यहाँ पे नहीं मरा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को तकिया पेप्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ मिल गई थी यहाँ से। और आप सोच रहे होंगे भाई तूने जो है 7.5 की गोलियाँ क्यों उठा रखी है, मतलब सॉरी 5.56 की गोलियाँ क्यों उठा रखी है, तो उसका रीज़न ये था कि मैं सोच रहा था अगर मेरे को स्विच करना पड़ा M4 में तो कम से कम मेरे पास 30 गोलियाँ तो रहेगी, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे उसको कैरी करके चल रहा था। और साथ में जो अब जो मैंने यहाँ पे सारे ही जो है सोचा एक ही गन रखता हूँ, AKM और ये, क्योंकि भाई इसका डैमेज तो अच्छा हुआ है कम से कम, तो मैंने दोनों गन ये रख ली, AKM रखी और साथ में जो है यहाँ पे DP रखी। अब आगे जाके मेरे को स्कारल मिली, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सी गन रखूं, क्योंकि आप जानते हैं 7.62 की जो गोली है वो बैग पूरा भर देती है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि स्कारल उठाऊं या नहीं उठाऊं, तो मैं वही सोच रहा था करूं तो क्या करूं। उसके बाद यहाँ पे इसमें पेटी में देखता हूँ कि भाई यहाँ पे कुछ मिल जाए, तो यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे M4 भी है, तो भैया अब मेरे से रानी का मैंने कहा M4 उठानी पड़ेगी, द गार्ड गन उठानी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये गन जो है सही बता रहा हूँ बहुत बढ़िया गन है, आप भी यूज़ कीजिए पबजी में। हालांकि आप ये कहेंगे भैया AKM से अच्छी थोड़ी ना है, कुछ लोग भाई हट जाते हैं कि AKM है भैया, तो भैया AKM बहुत अच्छी गन है, लेकिन स्टेबल अगर बात करें तो ज़्यादा जो है यहाँ पे अपनी M416 है, और यहाँ पे मेरे पास DP भी है, तो भैया क्यों ना मैं यूज़ करूँ M416, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पे M416 को उठा लिया। और पेप्सी भी बहुत सारी होती तो मैंने यहाँ पे पीने की कोशिश करी, लेकिन मेरे ऊपर भैया किसी ने स्प्रे मार दिया, मैं बहुत मज़े से लूट रहा था, मतलब यार आज तो लूटूंगा मज़े से, बंदे मार दिए सब कुछ, लेकिन भैया पीछे से जो मेरे ऊपर स्प्रे हुआ वो तो बच गया मैं। अब यहाँ पे मेरे को बंदा दिखने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी मेरे को आइडिया था, तो मैंने यहाँ पे ट्राई करा कि यहीं कहीं तो बंदा नहीं है, तो देखा तो यहाँ पे वो बंदा आसपास ही था, जैसे कि आप देख सकते हैं उस शेक के पीछे से मार रहा था, उसका फ्लैश हेडर चमक रहा था इसलिए मेरे को दिख गया। और फिर जब मैंने उसको DP के शॉट मारने शुरू करे तो वो ऐसा भागा कमलेश की तरह, डुन 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 डुन। अब भैया ऐसा छुप के बैठ गया कि बाहर ही ना निकले, और ये मैं अपनी चक्री लोड करते हुए ऐसे उसको देखने लगा। तो मैंने टीममेट को एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी कि वो वहाँ पे बैठा है, लेकिन वो बंदा निकलने का नाम नहीं लेता, और मैंने कहा लेट्स गो उसको मार के आऊँगा भाई, मेरे ऊपर स्प्रे करा उसने। तो यहाँ पे लेट के मैंने थोड़ी सी एक क्रेट लूटी और यहाँ पे जो है एक पेप्सी पी, और साथ में जो अपने टीममेट को बोला चलो उसको मारने चलते हैं यार बहुत हो गया, मतलब वो अकेला है वहाँ पे, तो उसको मारने की ट्राई करते हैं।
अब यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैं लेट्स गो या फिर एनिमी ऐड कर रहा था, तो इसलिए जो है मेरी टीममेट समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको मारने जाना है। तो यहाँ पे जो है एफडी स्टाइलिश जो है गाड़ी में बैठा और हमने धूम मचाते हुए उसको मारने के लिए चल पड़े। धूम मचाते बताते ज्यादा है कि भाई वो बंदा तो पता नहीं मरे या नहीं मरे, लेकिन हम जरूर मर जाएंगे क्योंकि जोन जो है आ चुका है और जोन हमारी पप्पी लेने को रेडी है। इसलिए पहले हमने जो है टर्न कर लिया यहाँ से गाड़ी और यहाँ से हम भागने लगे। अब हमें लगा यहाँ पे बंदे, तो हम जो है फटाफट से इस घर में कूदे और यहाँ पे जो है मेरे को एक पेप्सी मिल गया आते, लेकिन मेरा बैग जो है एकदम फुल था तो उठा नहीं कुछ भी। और यहाँ पे कोई बंदा तो निकला नहीं, लेकिन जो है हमें लग रहा था कि आसपास बंदे ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी थी और हमें लग रहा था कुछ ना कुछ तो बंदे यहाँ पे मिलेंगे, मतलब कोई तो बंदा निकलेगा ही आसपास। अब जोन को देखते हुए मैंने बोला अपने टीममेट्स को, भाई चलो चलो साथ चलो। अब बोल तो सकता नहीं, तो लेट्स गो कर रहा था, स्प्रेड आउट वगैरह बोल रहा था, लेकिन वो सब नहीं रहते, तो मैंने तो बोल दिया भैया जल्दी जल्दी चलो यार, चलो चलो, क्योंकि जोन में क्या है बाद में जोन में मर जाते हैं, तो इसलिए जो है मैंने कहा पहले सेफ जोन ही चलते हैं और फिर देखते हैं। तो आगे मेरे को यहाँ पे पता चला यहाँ पे तो फायरिंग हो रही है, तो इसलिए जो है मैं इधर आ गया। और यहाँ पे पहले सबसे पहले मैंने एक मिरिंडा पी, क्योंकि भैया मिरिंडा पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है मूवमेंट आपकी थोड़ी फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, इसलिए मेरे को शक हो रहा था कि यहाँ पे बंदे होंगे, लेकिन ये तो शायद स्पॉन रहती है या पता नहीं क्या रहता है, तो मेरे को डाउट था, तो मैंने जो ऐसे ही एनिमेट कर दिया था। और यहाँ पे हमें डाउट हुआ, हम जो है यहाँ पे निकल पड़े और मैं जो है गलती से जंप लगा दी भैया, मतलब कर कुछ और रहा था लेकिन जंप लग गई, और फिर जो है मैं जंप लग गई तो भैया तकिए चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया। अब फिर से मैं पीक लेके देख रहा था, वो बंदा मैं देख गया, टंकी के पास एक बंदा था, तो यहाँ पे जो है इसके ऊपर मैंने बहुत सारे शॉट दिए, लेकिन वो लकीली जो है बच गया। आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे शॉट दिए और फिर भी वो बच गया। तो उसके बाद जो मैंने बोला भाई बहुत लो है बहुत लो है, मतलब मैं अपने आप में चिल्ला रहा था, मेरे को बाद में याद आया भाई मेरा तो बाइक बंद है मैं कैसे बताऊंगा, लेकिन मैंने उनको बोल दिया भैया जाओ 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 लेट्स गो वगैरह मैंने जो हो सकता था करना शुरू कर दिया था, और जो है वहाँ पे वो भी अटैक करने चल पड़े। सब ने मिलकर जो है घेर के पूरी तरह उसको बुरी तरीके से मार दिया, यानी नंबर 4 ने उसको फिनिश किया। और यहाँ पे सीधा जब मैं जैसे घुसा मैंने देखा क्रेट में AW में, तो मैंने बोला ओह माय गॉड वाओ, लेकिन देखा तो अरे उठा क्या रहा है, तो मैंने जो है यहाँ पे फटाफट से जो है M24 ने उठा ली, मैंने कहा भाई ये कोई ना उठा ले कम से कम। अब जोन आ रहा था, मैंने इनको बोला भाई निकलो निकलो निकलो, मरोगे मरोगे, ये सब यहीं रह जाएगी, AW सब यहीं रह जाएगी, भागो जोन की तरफ भागो फटाफट। अब यहाँ पे हमने टक्कर मार दी सीधा आके, और हमें डाउट था कि यहाँ पे आसपास बंदे होंगे, तो वही हम ट्राई करने के लिए जो है ढूंढने लगे आसपास बंदों को। बंदा तो मिला नहीं, लेकिन मेरे को यहाँ पे 502 का बंडल मिल गया और यहाँ पे कुछ एमओ मिल गई 7.62 की। ऊपर बम्बानी वगैरह पड़े थे, लेकिन जो मेरा बैग है वो एकदम फुल था। तो मैं जो है फिर से जो है शैक के ऊपर चढ़ गया, शैक यानी जो भी आप इसको बोलते हो, पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो शैक बोल सकते हो, शेड बोल सकते हो, जो भी आप बोलो। तो यहाँ पे मेरे को बंदे दिख गए लकली, और यहाँ पे जो है मैंने DPS उसको नॉक कर दिया। अब यहाँ पे पूरा स्क्वाड था, तो मैं उन्हें बता रहा था भाई पूरा स्क्वाड है भाई देख लेना, तो मैं टैप 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 करके मार ही रहा था, और इतने में जो है यहाँ पे वो फिनिश हो गया। वहाँ पे किसी ने 502 का बंडल फूका था, यानी कि अपने दोस्त को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो बचा नहीं पाया। और यहाँ पे मैंने इसको भी स्प्रे देने की कोशिश करी, तो 2-4 गोलियाँ तो लगी जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन वो पेड़ की आड़ में आ गया और वो बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे से सबर नहीं हुआ, मैंने बोला भाई गाड़ी लेके निकलते हैं और इनको मारने चल पड़ते हैं।
तो यहाँ पे नंबर वन भी कूदा क्रिश की तरह और वो भी समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब सिर्फ दो ही बंदे बचे थे हम, क्योंकि चार थे यहाँ पे पूरे, तो उन दो बंदों को हमें ढूंढना था। तो फटाफट से जो है इसलिए हमने सोचा कि रश करते थे गाड़ी वाड़ी में बैठ के, और यहाँ पे जो इसने रोक दी नवीन ने, पता नहीं क्यों रोक दी। नवीन है नंबर वन का नाम जो है नवीन है, तो उसने यहाँ पे रोक दी। और उसके बाद जो है मैंने उसको देखना शुरू करा कहाँ पे है। तो उन्होंने किसी ने फायरिंग करी, तो यहाँ से मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे बंदा है। और नवीन ने जो है उसको नेड से ही उड़ा दिया भाई, क्या मतलब शॉट सही मारा एकदम, मतलब जो मारा उसने तो उसको एकदम सही परफेक्ट नेड लगा उसका। और उसके बाद जो है यहाँ पे उसने और नेड करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है यहाँ पे नहीं मरा कोई और। लेकिन फाइनली जो है FD-Stylus ने उसको पूरा ख़त्म करा। और यहाँ पे जो है ये जो एनिमी बचा था लास्ट, इसकी नज़रें बहुत तेज थी और ये हमें ऐसे कर रहा था देख के। नो 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 जैसे कि आप देख सकते हैं हमें तीनों को लुढ़का के ये बोला, आज मैं अपनी बात डालूंगा। अब भैया ये बुड्ढा बहुत तेज निकला, इसने हम तीनों को नॉकआउट कर दिया। अब यहाँ पे उम्मीद थी सिर्फ नंबर फोर से कि वो किस तरह रिवाइव कर दे। तो यहाँ पे मैं तो लकीली रिवाइव हो रहा था, लेकिन मेरे दोनों टीममेट्स बोल रहे थे अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे, ये हालत है भाई, अरे कोई बचा लो। तो मैंने देखा जो नंबर वन है वो जो है झोपड़ी की तरफ आ गया, तो मैंने कहा चलो उसको तो मैं बचा ही सकता हूँ। तो मैं जो है भागते हुए गया, और वो जो मेरे को बोल भी रहा था मैं झोपड़ी तरफ आ गया हूँ जल्दी यहाँ पे अंदर आ जा। तो यहाँ पे जो मैं इसको रिवाइव करने आ गया, लेकिन भाई साहब जो लास्ट एनिमी बचा उसकी नजरें पता है कैसी है एकदम, दोबारा देख लीजिए। नो 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 कि काफी अच्छा खेल रहा था वो लास्ट बंदा जो भी तो बचा था इसका टीममेट्स का, लेकिन वो सांप बन के खेल रहा था क्योंकि भाई अकेला है, तो भाई सांप बन के ही खेलेगा भाई, अब खुले में तो हमसे लड़ेगा नहीं। तो इसलिए जो बहुत ज्यादा चलाकी से खेल रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था मैं सांप बन के जो है इनको मार दूं। तो कोशिश काफी अच्छी थी उसकी, लेकिन मैं जो है पूरा घूम गया, मैंने डिसाइड करा मैं जो है फ्लैंक करके जाता हूं, क्योंकि अब जो है यहां पे वो बंदा जो है अगर हम सामने जाएंगे तो हमें मार देगा। तो मेरे को एमओ, मेरे को गोलियों के निशान दिख रहे थे, और जो नंबर टू को पूरा खा चुका था। अब जो है नंबर वन भी उसको ढूंढ रहा था और मैं भी ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे जो है लकीली जो है नंबर वन के ऊपर जो है अभी वो स्प्रे करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसने मुझे पोजीशन बताई और यहाँ पे मैंने उसको फिनिश कर दिया। एक और थी चिकन डिनर, तो इसी के साथ नोवो का चिकन डिनर। तो ही हंस दिल, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा, ही हंस दिल रिंकिया के पापा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों का। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।